जब भी हम धनिया घर पर लाते हैं तो 2 से 3 दिन में वो खराब होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि धनिया को कैसे स्टोर किया जाए कि वो 7 से 8 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहे और उसकी खुशबू भी बरकरार रहे। और आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको बॉक्स से निकालें और सब्जियों और रायते में इस्तेमाल कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं धनिया को क्लीन करने का, स्टोर करने का एक बहुत ईजी सा प्रोसेस जिससे ये बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। आज मैंने 2 बड़े बंच धनिए के लिए हैं और ये एकदम फ्रेश है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रबर बैंड या फिर एक धागा लगा रहता है इसको बांधने के लिए। तो हम एक नाइफ से इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, तो उसको खोले नहीं तो फिर काटने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको में जो थोड़ी पत्तियाँ और दिख रही हैं हमें धनिया की, वो हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो हम इसको हटा देंगे। अब हम इस धनिए में से जो मोटी मोटी डंडियां हैं उनको निकाल देंगे और जो पतली पतली डंडियां हैं हम उनको रख लेंगे। ये देखें, थोड़ी सी मोटी डंडियां हैं तो हम इनको इस तरह से निकाल देंगे। और यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जो इस तरह की पत्तियां हैं, जो हल्की सी भी ब्राउन हो रही है, आप उसको हटा दें, नहीं तो जब हम धनिए को स्टोर करेंगे तो ये पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी और भी ज़्यादा, और ये आसपास की पत्तियों को भी सबको ख़राब कर देंगी। तो अब मैं इनको साफ़ कर लूँगी। धनिया को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। इसको हल्का सा इस तरह से दबा देंगे और अब हम इसको 5 मिनट तक इसी तरह से पानी में सोक होने देंगे। इससे क्या होगा, जो भी मिट्टी पत्तों पे लगी है वो घुल जाएगी और जो किसकिसाहट है मिट्टी की, वो धनिया पत्ती से बहुत अच्छे से निकल जाएगी। धनिया अच्छे से पानी में सोक हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको हाथ से इस तरह से 1-2 बार हिला दें जिससे कि जो मिट्टी है वो सारी पानी में आ जाए। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और उस पर छन्नी लगा दी है, हम इसमें निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारा धनिया इस जाली में निकाल लिया है और अब हम इस धनिया को 2-3 बार अच्छे से पानी में और धोएंगे जिससे कि जो भी मिट्टी इसमें रह गई है वो निकल जाए। धनिया को मैंने 2 बार और अच्छे पानी से धो लिया था और फिर इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह जाली पे छोड़ दिया था जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है, ये देखें, इस तरह से सब ड्रिप हो जाता है। और अब मैंने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है, हम इस पर धनिया को अच्छे से फैला देंगे। तो एक सिंगल लेयर में फैलाना है और अब हम इसको पंखे के नीचे करीब 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने देंगे। हम इसको बीच में 1-2 बार पलट देंगे जिससे कि ये एक सार सूख सके। ये देखिए, धनिया पूरी तरह से सूख चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको स्टोर कैसे करना है। धनिया को स्टोर करने के पहले हम इसको चॉप कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आपको धनिया डालना है आप डायरेक्टली डब्बे से निकालें और यूज़ कर पाएँ। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और बस आपको जितना बारीक या जितना मोटा धनिया चाहिए आप उस हिसाब से इसको चॉप कर लें। तो ये देखिए, मैंने इसको चॉप कर लिया है। धनिया को स्टोर करने के लिए यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और इसमें मैं ये लगा दूँगी टिश्यू पेपर। और अब हम इसमें ये धनिया डाल देंगे जो हमने चॉप किया था। तो ध्यान रखिएगा, इस बॉक्स को सिर्फ 3/4 भरना है, पूरा नहीं भरना है। अगर आप पूरा भर देंगे तो धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको इतना भर दिया है और अब हम वापस से इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर लगाएंगे और हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो हमें कोई एयर टाइट डिब्बा ही यूज़ करना है, तभी ये धनिया जो है फ्रेश रहेगा। और इस धनिया को हमें फ्रिज में ही स्टोर करना है, अगर आप फ्रिज से बाहर इसको रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो ये तो था एक मेथड, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको दूसरी तरह से कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो दूसरे तरीके में हम इसको जिप लॉक में सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा जिप लॉक लिया है और इसमें हम डाल देंगे टिश्यू पेपर और इसके बाद हम ये धनिया इसमें भर देंगे। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं भरना है धनिया, मतलब ऊपर तक नहीं भरना है धनिया को जिप लॉक में। इसको भी 3/4 ही भरें, इसको फैला देंगे अच्छे से पूरे टिश्यू पेपर के ऊपर। और अब हम एक और टिश्यू पेपर लेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा, इसको हमें स्टोर करना है फ्रिज में। तो जब भी आपको किसी भी सब्जी में, किसी भी करी में या फिर नाश्ते में धनिया डालने का मन है तो फटाफट फ्रिज से निकालें और ये धनिया उस पर डालें। बट ध्यान रखिएगा, फ्रिज से निकालने के बाद इसको वापस फ्रिज में रखना ना भूलें, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। धनिया को यूज़ करते हुए मुझे 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, एकदम फ्रेश है अभी भी और बिल्कुल गीला नहीं है। तो ट्राई करें और हमें फीडबैक में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।